तो गाइस यार आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइस यार काफी टाइम से हमारे पास ये डिमांड आ रही थी, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप क्या करो, सुपर कार्स के बीच में ड्रैग रेस कराओ। जी हाँ गाइस, और आज फाइनली आपकी इस ख्वाहिश को हम पूरा करने वाले, आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली है सुपर कार्स के बीच में रेस, वो भी इन दोनों कमाल की गाड़ियों के बीच में। तो गाइस यार एक तरफ है हमारे पास फेरारी स्पाइडर और दूसरी तरफ है ऑडी R8। तो गाइस यार ड्रैग रेस कराने से पहले मैं आपको गाड़ियों के बारे में भी कुछ बताता हूँ, क्योंकि भाई करोड़ों की गाड़ियाँ और साथ ही साथ सुपर कार से, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ अनीश जी से। तो ये है हमारे परम मित्र और हमारी ही तरह सुपर कार्स के शौकीन, जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से मैं भी शौकीन हूँ और उसी तरीके से ये भी, और यही हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा रीजन है, क्यों सर? बिल्कुल 100%। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अभी ये हमारे परम मित्र है तो ये आपके भी परम मित्र हुए, तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे इनकी जो आईडी है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाना, सर को फॉलो करना, मेरे दोस्त आपके दोस्त हम सब दोस्त हो गए, सारे दोस्त मिलके सुपर कार्स के फैन बनेंगे, ठीक है। आप लोग फैन, हम भी फैन और सर भी फैन, ठीक है। तो अब सर मुझे बताइए कि जो ये वाली गाड़ी अपनी स्पाइडर है ना, इसका जो इंजन है वो कितना पावरफुल है? इंजन इज अ V8 इंजन, इसमें हॉर्स पावर है 660 हॉर्स पावर, ओके। इसमें लगा हुआ है स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, कितनी मैक्सिमम आपने भगाई है स्पीड? हाँ मैं नहीं बताऊंगा, घर वाले बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे पीठ पीछे बोले, इतनी तेज चला रहा है ट्रैक पे सेफली हेलमेट के साथ 250। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में रेस होने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ ड्रैग रेस होने वाली है तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई। अच्छा आप लोग बताओ, पहले इसके बारे में बताते फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बताइए सर, इसका जो इंजन है आपने बताया V10 है, और मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ सर, मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ। मैं सोच रहा था कि उसका जो इंजन है वो बड़ा होगा, मैं V12 समझ रहा था उसके अंदर, लेकिन नहीं, इसका मतलब इसका इंजन ज्यादा पावरफुल है। अच्छा पावरफुल उसका ज्यादा है, मतलब वो बड़ा है, साइज में बड़ा है, साइज में इसका बड़ा है। अच्छा अच्छा हॉर्स पावर के अंदर बात, हॉर्स पावर उसकी ज्यादा है, उसकी ज्यादा है, अरे वाह। अच्छा इसकी टॉप स्पीड, इसकी टॉप स्पीड जहाँ तक गाड़ी में लिखा है 330 भैया 20 का डिफरेंस है, लेकिन वो चलाने पे भी डिपेंड करता है, अभी अपन लोग चलाएंगे तो फिर देख लेना है कौन जीती है। अच्छा अभी के अभी आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों की ड्रैग रेस के अंदर कौन जीतेगी, मुझे बताया कि काफी वोट किधर जाने वाले हैं। वो रियर व्हील ड्राइव है तो ये भी भैया 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 टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इसके चारों टायर काम करते हैं, ऑल व्हील ड्राइव है और इसके बस पीछे के काम करते हैं, लेकिन फेरारी फेरारी है, मेरा वोट तो अभी भी इसी तरह है। आप अपना बता देना नीचे कमेंट्स के अंदर। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1 मिलियन लाइक्स, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे 1 मिलियन का, इसलिए क्योंकि आगे भी फ्यूचर प्लान है काफी सारे, उसमें 2-3-4-5 मिलियन कर लेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, भाई को फॉलो करना, हमें भी करना। हम फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो अब हम फटाफट से इस रेस को शुरू करते हैं, करें नीश जी? ओके चलो। अच्छा एक चीज रह गई थी, हमारी ऑडियंस को इसकी आवाज सुनाओ यार सर, 100% जल्दी इसकी आवाज सुनाओ और उसकी भी आवाज सुनाओ, गाइस आवाज सुनना, आवाज माशाल्लाह है, ठीक है। तो चलो पहले आप इसकी आवाज सुनाते हैं और उसकी भी सुनाते हैं। तो गाइस यार ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट, और अभी सुनो इसकी आवाज, उसकी भी एक नंबर है। तो गाइस सीट बेल्ट ऑन, तो चलो अभी करते हैं ड्रैग रेस, चलिए। ऑलराइट गाइस, तो यार ऑल सेट, हम ट्रैक पे भी आ चुके हैं, आप देख लो कि ये काफी लंबी सड़क है और इस पे हम करने वाले हैं ड्रैग रेस, और अपनी जो दोनों गाड़ियां हैं
वो भी आ रही है, आगे चल रही है भी ऑडी R8 और पीछे है फेरारी रेड कलर की। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक बार गाड़ी आ जाए और दोनों को यहाँ लगाएंगे, फेरारी को इधर लगाएंगे, R8 को इधर लगाएंगे, फिर दोनों को एक साथ चलाएंगे और फिर देखते हैं कि इन दोनों के अंदर से कौन जीतता है। अभी भी आपके पास टाइम है, गाड़ी की आवाज़ सुनो। क्या बात है, अभी क्या लग रहा है दोनों रेसिंग में ही आ रही है देखो। तो मैं दोनों गाड़ियों को लगवा देता हूँ। राइट गाइस, तो दोनों गाड़ी अपनी जगह पे लग चुकी है, नीचे तैयार। कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बस तैयारी करते हैं। तो आप इसमें, उसके अंदर हमारे दूसरे भैया हैं, तो तैयार बैठो, यही जीतेगी, यही जीतेगी पक्का। चलो अभी देखते हैं। तो ठीक है गाइस, ड्रैग रेस को शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दोनों गाड़ियां तैयार। तो मेरे तीन गिनने पर, 1 2 3। भाई यार, R8 जो है मेरी नज़र में वो जीतती, बस वो जो उनको चलाने वाले का था उनका थोड़ा सा फ़र्क हो गया, बाकी जो फेरारी की लपक थी गाइस वो बिल्कुल एक नंबर थी। अभी वहाँ पे दोनों गाड़ियों के अंदर से कौन सी गाड़ी पहले पहुँची है मुझे इसका आइडिया नहीं है, वो तो अभी वहाँ पे जो कैमरा है उनके अंदर रिजल्ट देखेंगे तब पता पड़ेगा। बाकी जो ओडी R8 थी उसका जो मतलब है पिकअप थोड़ा सा मुझे कम लगा, उसको लॉन्च होने में थोड़ा सा वक्त लगा। बाकी आप देखो कि दोनों गाड़ियाँ बहुत ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, सच में मजा आ गया यार, एक नंबर। R8 में V10 इंजन होते हुए भी फरारी ने अपने V8 से हरा दिया है। अनिश जी आपने सही कहा था, लेकिन वो थोड़ी सी लेट लॉन्च हुई थी यार। एक और बार कर लेते हैं आपका थोड़ा सा लॉन्च लेट था। तो भाई लोगों, राउंड 1 के अंदर तो फरारी ने R8 को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, अब है राउंड 2 की बारी, देखते हैं कौन जीतता है। थोड़ा सा आगे लो, बराबरी का होना चाहिए, थोड़ा सा आगे लो, अभी ठीक है। ऑलराइट, 1 2 3। बराबरी का बिल्कुल क्लोज है यार, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी ज्यादा तेज भाग रही है फिर वो जीत रही है फिर वो जीत रही है, अभी भी मेरा ओडी R8 को ही है। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जो फेरारी है वो इस केस के अंदर थोड़ा सा मतलब जीत गई है, लेकिन मेरा तो वोट अभी भी ओडी R8 को ही है। तो गाइज यार, ये थी दोनों सुपर कार्स की ड्रैग रेस, एक बार नहीं दो बार हमने की। बाकी यार गाड़ियां जो है दूर से ही अच्छी लगती है घूमने के अंदर, देखो। क्या यार पाजी, यार आपने मुझे हरा दिया यार, मेरा वोट तो इसको था। अच्छा, मेन क्या रीजन रहता है अनिश जी कि ये जीती और ये हारी? हॉर्स पावर, इसकी हॉर्स पावर है 660 हॉर्स पावर, ओके, इसकी 550 हॉर्स पावर है। तो एक काम करते हैं, अब लैम्बो कब ले रहे हो आप? लैम्बो मैं ले रहा हूं। कब ले रहे हो ये बताओ, कब ले रहे हो? एक दो महीने में ले रहे हो ना, तो लैम्बो वर्सेस फरारी करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर भी फरारी जीतेगी। चलो डन रहा। तो गाइस देख लो, अभी डील हो रही है, जब भी सर है वो लेंगे, लैम्बो लेंगे, तब फरारी वजह लैम्बो होगा और मेरा वोट लैम्बो को है और इनका है फरारी का। तो नीचे कमेंट करना कि उस पर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो चाहिए पब्लिक। तो आप जल्दी लो और जल्दी से एक और ड्रैग रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके अंदर से कौन जीतता है। बाकी मेरा वोट आपको ही है, आपको ये बिल्कुल, मेरा फेवरेट कलर है येलो। तो मेरी नज़र में अभी भी दोनों गाड़ियां मस्त है यार, दोनों ही सुपर कार हैं, तो कोई कंपेयर नहीं है। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो हमने किया।
तो चलो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। क्यों नहीं जी, नेक्स्ट भी अपने काफ़ी सारे प्लान है तो उनको भी अपन पूरा करेंगे। भाई का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी फैन हो सुपर कार्स के, ये भी हैं मैं भी हूँ, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा मस्त, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।